तो फाइनली यहाँ पे DZT के द्वारा एक जो है यहाँ पे PDF जो जारी किया गया, जिसमें करीब 6 लाख स्टूडेंट का जो है उसमें रोल नंबर जो है, कॉलेज कोड हो गया, स्टेट हो गया और सेशन, ये सारे डिटेल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्होंने की फ़ी पेमेंट नहीं किया है। जी हाँ, जिनका जो फ़ी पेमेंट है वो अनपेड है। तो यदि आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। यदि इसमें आपका रोल नंबर पाया जाता है तो आपको आगे जो है क्या करना है वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यदि आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है फिर भी आपका इस लिस्ट में नाम आ रहा है, आपका रोल नंबर जो इस लिस्ट में पाया जाता है, तो फिर आपको क्या करना है। तो सिंपल आपको देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है। ये जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ जो PDF का लिंक है जिसमें कि 6 लाख कैंडिडेट का जो है रोल नंबर दिया गया, जिनका जो फीस जो है वो अनपेड है, तो वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर सिंपली आ जाना है जहाँ से कि फ़ी पेमेंट किया जाता है। उसके बाद आपको अपना फीस जो है, यदि आपने पेमेंट कर दिया है, आपके पास रिसीविंग है, चाहे आपके पास ईमेल पे रिसीविंग हो या फिर आपके पास जो है जो निम्मी का जो रिसीविंग दिया जाता है जो फ़ी पेमेंट के टाइम पे, वो आपके पास है, तो आप लोग अपना सिंपली अपना फीस जो है वो ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इफ़ यू हैव नॉट अटेंड दिसंबर टू अप्रैल 2021 CBT एग्ज़ाम, ठीक है। यदि आपने जो है दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में जो CBT एग्ज़ाम हुआ था वो अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन आपने फीस जो है वो पे कर दिया है, लेकिन फिर भी उस जो PDF है इसमें आपका जो है रोल नंबर आ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना फीस जो है वो अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको यदि आपने इंडिविजुअल पेमेंट किया तो सिंगल वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सारे पेमेंट के डिटेल्स जो हैं ये सारे फिलअप करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट नहीं होने की वजह से आपका जो है उस वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस जो PDF जो निम्मी के द्वारा जो DZT के द्वारा जारी किया गया है उसमें आपका रोल नंबर शो हो रहा है। इसलिए आप लोग अपना पेमेंट जो है ज़रूर अपडेट करवा लीजिएगा यदि आपने दिसंबर से अप्रैल के बीच में पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना पेमेंट स्टेटस जो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लिक करने पे यहाँ पे आपको जो है पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं निम्मी पेमेंट स्टेटस चेकिंग। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पर CC एवेन्यू रेफरेंस नंबर, तो जब भी आपने पेमेंट किया होगा तो आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन मैसेज आया होगा, या फिर आपके पास रिसिप्ट है तो आप यहाँ पे CC एवेन्यू रेफरेंस नंबर जो आपको मिलता है उसको फिलअप करके, साथ ही साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेमेंट के स्टेटस को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। यदि इस PDF में इसका लिंक जो मैं नीचे दे दूंगा उसको डाउनलोड करके आप लोग अपना रोल नंबर एक बार सर्च कर लीजिएगा। यदि आपका इसमें रोल नंबर पाया जाता है 19-21 और 18-20 सेशन के सभी स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको सिंपली जाके फ़ी पेमेंट जो है कर लेना है। तो इसमें यदि आपका नाम पाया जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना पेमेंट जो वो अपडेट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा।